हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ममताज वे ऑफ लाइफ। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद एक अनबॉक्सिंग वीडियो डाल रही हूँ। हालांकि मैंने लॉन्ग वीडियो डालना छोड़ ही दिया है क्योंकि आई एम टू बिजी, मुझे वक्त ही नहीं मिलता कि मैं वीडियो एडिट करूँ, डालूँ। मैं क्लिप लेके रख देती हूँ लेकिन मैं एडिट ही नहीं कर पाती और डाल ही नहीं पाती, और आलसी तो मैं हुई। एंड सपोर्ट मी गाइस सो दैट कि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। तो मैं जो आज शर्ट शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही रेगुलर यूज के लिए बहुत ही बढ़िया है और समर सीजन के लिए तो अच्छा है। तो फर्स्ट वन है व्हाइट वाला, जो कि मैंने लिया 2-in-1 सोच के, क्योंकि व्हाइट तो वैसे मेरा कोट का भी ड्रेस है और मैं वैसे भी पहन लूंगी। तो मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया है, देखिए आप सबके सामने ही खोल रही हूँ। आप मेरा एक्सप्रेशन देख सकते हो कि मेरा फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है, क्योंकि मैंने जब कपड़े को देखा तभी मुझे पता चल गया था कि ये कपड़ा अच्छा नहीं है, इसका मटेरियल अच्छा नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है, डोंट बाय दिस वन। साइड पे मैं दिखा दे रही हूँ कि कैसा लग रहा है, मैं ऐसे वैसे स्टाइल कर रही हूँ लेकिन मुझे भी पता है कि मैं ये नहीं पहनने वाली, और अगर कभी पहन भी लिया तो वो मैं ब्लेजर के नीचे पहन लूँगी। बाकी इसका मटेरियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा है ना कि एक धुलाई के बाद पूरा सिकुड़ जाएगा, बहुत ही गर्मी लगेगी, मनी वेस्ट ना हो मेरी तो हुए हुए। सो बेसिकली फर्स्ट वन इज रिजेक्टेड। नाउ आई एम ओपनिंग द सेकंड वन एंड हियर इट इज। इसका पैकेट खोलते ही मुझे पता चल गया था कि आई लव दिस वन, ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें मैं कहूँगी कि मेरा पैसा पूरा वसूल हुआ है। इसमें जो भी कपड़ा है बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छा है, देखने में भी बहुत ही अच्छा है। मैं इसको इन करके पहन सकती हूँ, फॉर्मल ऐसे भी पहन सकती हूँ। हालांकि मुझे ये सामने का जो भी शेप होता है वो मुझे पसंद नहीं है, बट फिर भी ये टॉप मुझे, टॉप या शर्ट कह लो, शर्ट ही है बेसिकली, शर्ट मुझे बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसे ऐसे पहनोगे तो चार चांद लग जाएंगे। यही था मेरा आज का अनबॉक्सिंग। आई होप आप सबको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।